मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, दया शंकर सिंह को बलिया से उम्मीदवार बनाना और दिनेश शर्मा ने ये ऐलान किया है मीडिया से जब बात कर रहे थे, जो सीट चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली लेकिन बलिया से उन्हें मैदान में उतारना कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, दयाशंकर सिंह आज के नहीं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, छात्र राजनीति से रहे हैं और आपको बताऊं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इससे पहले प्रदेश में महामंत्री रहे, अभी वो उपाध्यक्ष भी हैं। ये बात सही है कि वो पिछला चुनाव भी सरोजनी नगर सीट से ही लखनऊ से लड़ना चाहते थे, लेकिन मायावती के खिलाफ विवादों के कारण जो बयान दिया था उन्होंने, उन्हें नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट मिला और स्वाति फिर योगी सरकार में मंत्री भी बन गई। अब सरोजनी नगर से दोनों दावेदार हो गए थे, दयाशंकर भी और स्वाति भी, और इन दोनों के झगड़े में तीसरे, जो जैसा कि आपने कहा भी है कि ईडी के जो अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह को टिकट मिल गया, लेकिन उसी वक्त उनको ये भी बता दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव समिति की बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी इनकी चिंता करती है। जिस बलिया सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है उससे पहले भी वो बलिया सदर से चुनाव लड़कर एक बार हार चुके हैं, लेकिन चूंकि वो पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे इसीलिए पार्टी ने उन्हें टिकट देना ही बेहतर समझा है। तो क्या ये कहा जा सकता है पंकज कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक झगड़ा था उसकी वजह से दयाशंकर को अपनी पसंदीदा सीट नहीं मिली और एक चुनौती बलिया के रूप में उन्हें एक बार फिर से उसका सामना करना होगा? देखिए, पति पत्नी के झगड़े में ना बहुत किरकिरी हो रही थी पार्टी के, और पार्टी के बड़े नेताओं का भी ये मानना था, तो हुआ कि इस सीट से दोनों में से किसी को भी नहीं दिया जाए। एक बैलेंसिंग एक्ट बनाने के लिए राजेश्वर सिंह की एंट्री हो जाती है, वो सुल्तानपुर से भी लड़ना चाहते थे जो उनका गृह जिला है राजेश्वर सिंह का, और बलिया गृह जिला जो है वो है दयाशंकर सिंह का, तो एक वैकल्प के तौर पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इसीलिए उन्हें बलिया सीट से चुनाव लड़ाने के बारे में फैसला लिया गया है। पंकज, अब देखा जाए तो बलिया से अब जब तय हो गया है कि दयाशंकर मैदान में उतरेंगे तो उनके लिए यहाँ चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि आपने कहा कि पहले भी आए थे लेकिन हार गए थे इसी क्षेत्र में चुनाव, तो बाकी पार्टियों के अगर उम्मीदवारों पर नजर डालें तो चुनौती कितनी बड़ी होगी उनके लिए? देखिए, बलिया में लड़ना सरोजनी नगर जो लखनऊ की सीट है उससे लड़ने के मुकाबले कहीं कठिन चुनौती है बलिया के लिए। अगर देखें दयाशंकर सिंह जो पहले भी लड़कर, जैसा मैंने कहा कि आपको कि हार गए थे, कुछ सीटें हैं जो बहुत सुरक्षित मानी जाती है और उनमें से एक सरोजनी नगर की भी सीट मानी जाती थी, हालांकि वो चुनाव भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन सरोजनी नगर के मुकाबले अगर देखें तो बलिया से चुनाव लड़ना थोड़ी सी चुनौती वहाँ पर कठिन होगी दयाशंकर सिंह के लिए, लेकिन वो कहेंगे कि मेरा गृह जिला पार्टी ने उनको दिया है तो हो सकता है सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन थोड़ी सी कठिन चुनौती तो होगी उनके लिए ये। जी पंकज, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह बलिया से अब पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सरोजनी नगर की जो सीट है लखनऊ की उस पर दोनों पति पत्नी अपने दावेदारी ठोक रहे थे और आपने बताया पंकज की किरकिरी हो रही थी पार्टी की और इसीलिए पार्टी ने ये सोचा कि किसी को भी यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा और दयाशंकर सिंह को बलिया से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो कौन है दयाशंकर सिंह? 2016 में मायावती पर विवादित बयान देने पर वो एक बार चर्चा में आए थे, 2017 में बीजेपी में फिर उनकी वापसी हुई और इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और खूब काम किया है पार्टी के लिए, तो किसी न किसी रूप में उन्हें टिकट देना था, मैदान में उतारना था। पूर्वांचल के बलिया जिले के रहने वाले हैं तो पार्टी ने सोचा कि इस बार बलिया से ही उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। अब चुनाव की वजह से यूपी और खास तौर पर पश्चिमी यूपी का पारा हाई है। सभी पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने अपने क्षेत्र पूरब के गोरखपुर जाकर घर घर प्रचार किया, मंदिर गुरुद्वारे के दर्शन किए और इसके बाद पश्चिम के शामली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो आज दोपहर वो अलीगढ़ में मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और शाम को मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा अखिलेश का जयंत चौधरी के साथ मांड विधानसभा में भी प्रचार का कार्यक्रम है। मायावती भी आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो सभी पार्टियां पूरी जान झोंक रही हैं चुनाव प्रचार में और पश्चिमी यूपी पर सबकी नजर है। मथुरा में अखिलेश, सहारनपुर में मायावती और गोरखपुर के बाद अब शामली का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।